राष्ट्रीय खबर, मैं हूँ शशि राणा। जी हाँ, आज जहाँ हम खड़े हैं ये है गवर्नमेंट प्रेस ऑफ इंडिया की वो कॉलोनी जहाँ पर कभी हंसते खेलते परिवार बसा करते थे। बच्चों की गिलकारियाँ इन गार्डन्स में जो है गूंजा करती थी, लेकिन अभी आप देख रहे हैं जैसे इसके मेन गेट को भी बंद कर दिया गया है और ये जो कॉलोनीज हैं अपनी व्यथा रो रो कर इस तरह से सुनाती हैं, आपने दृश्यों में देख ही लिया होगा। क्योंकि जो गवर्नमेंट प्रेस ऑफ इंडिया की ये नीलोखेड़ी की ब्रांच है वो बंद कर दी गई है, और जिसके कारण कम से कम 350 क्वार्टर्स जो हैं 1 BHK 2 और 2 BHK जो हैं, कम से कम इसकी कीमत का अगर अंदाज़ा लगाया जाए अरबों रुपये की ये प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल व्यथा बेकार। बहुत लोगों के पास जो देश में है आवास की जो समस्याएं हैं वो इतनी है कि लोग सड़कों पर सोते हैं, और एक तरफ केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आने वाले ये क्वार्टर्स अपनी व्यथा रो रो कर सुनाते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुनील गर्ग जी। अच्छा, किस चीज़ की शॉप है आपकी? हमारी बेकरी शॉप है जी। अच्छा, कितने साल से काम कर रहे हो? 8-10 साल से है यहाँ बेकरी शॉप। अच्छा, ये जो क्वार्टर्स बंद पड़े हैं ये कितने टाइम पहले बंद हुए? ये मेरे ख्याल में 5-6 साल से बंद है जी। अच्छा, सारे खंडरात हो गए हैं, इतने करोड़ों रुपए गवर्नमेंट का बेकार पड़ा है जी। चाहे तो किसी को भी दे सकते हैं, ये कोई गरीब आदमी बहुत है यहाँ। तो ये कौन से महकमे के हैं? ये प्रेस कॉलोनी है जी, सेंटर की प्रेस, सेंटर गवर्नमेंट का महकमा। अच्छा, यहाँ से सेंटर गवर्नमेंट का प्रेस भी तोड़ दी यहाँ से। अच्छा, अब किसी और थोड़े महकमे हैं जी, किसी को भी दे दो तुम। हाँ जी, तो जैसे अब ये 350 क्वार्टर्स हैं, ये पुरानी प्रेस कॉलोनीज है? ये पुरानी प्रेस कॉलोनी। अच्छा, नई प्रेस कॉलोनी भी का? तो मंडी के साथ है जी, नई प्रेस ऐसी पड़ी है, वो भी खंडरात है। वहाँ भी कम से कम कितने क्वार्टर होंगे? वहाँ भी लगभग इतने ही होंगे जी, 200 के लगभग वहाँ भी होंगे जी। ठीक है, तो सर जैसे अब आपकी यहाँ पे शॉप है, पहले जो यहाँ पर ये कॉलोनी बस्ती थी तब बहुत, आपके बहुत काम में काम बहुत ज़्यादा काम था, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो बैठे हैं बस टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास? हाँ। तो अब आप क्या सोचते हैं कि क्या करना चाहिए सरकार? कोई ना कोई और महकमे को दे दो। हाँ जी, हरियाणा गवर्नमेंट में तेरे महकमे सेंटर में ही बहुत हैं, किसी को भी कल्पना चावला का महकमा है उनको दे दो, किसी को भी खंडरात होने से तो अच्छा है जी। जी, अब इसमें सांप जानवर वही पैदा होते हैं। बिल्कुल, इसकी कोई देख रेख भी नहीं हो रही? कुछ भी नहीं है जी मैडम, कुछ भी नहीं है, देखो ना सारा कितना बुरा हाल है, जंगल हुआ जी। वही प्रेस ऑफ इंडिया है, सेंटर गवर्नमेंट की वही प्रेस है जहाँ की हमने आपको कॉलोनीज दिखाई, जो यहाँ के एम्प्लॉयज थे, कम से कम सैकड़ों लोगों को जिस प्रेस ने रोजगार दिया था, आज वो खुद की बदहाली पर किस तरह से आंसू बहाती हुई दिखाई देती है, ये आपने दृश्यों में देख ही लिया होगा। इस प्रेस के बंद होने से जहाँ एक तरफ सरकार की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी गर्त में चली गई, उसी के साथ साथ ना जाने कितने परिवारों के रोजगार भी गर्त में चले गए। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाली ये जो देश के अंदर है 22 प्रेस थी, जिसमें से सिर्फ 4-5 प्रेस जो हैं वो वर्किंग में बची हैं, जिनमें से कुछ एक जैसे दिल्ली है और कुछ और स्टेशंस पर हैं 4-5 प्रेस जो बची हैं। अब ये देखिए कि 22 प्रेस के अंदर कितने जो लोग होंगे वो एम्प्लॉय होंगे, रोजगार जिनका घर जो है, जिनका चूल्हा जो है, इन्हीं के इसी के रोजगार से चलता होगा, जो कि सरकार द्वारा बंद कर दिए गए हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि अरबों रुपए में बनी हुई ये जो बिल्डिंग्स हैं, इन पर किसी दूसरे महकमे को सरकार ने नहीं दिया है, जबकि सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है, नए प्रोजेक्ट्स पर खर्चा करने की बजाय जो पुराने प्रोजेक्ट्स की ये पुरानी बिल्डिंग्स जो कि बदहाली पर आंसू बहाती नज़र आ रही हैं, इनको अगर यूज़ में लाया जाए तो न सिर्फ सैकड़ों लोगों को, हज़ारों लोगों को, 22 की 22 प्रेस जो है उनकी यही दुर्दशा है। ये तो केवल एक नीलोखेड़ी जो ब्रांच है उसके दृश्य हमने आपको दिखाए, कम से कम 37-38 एकड़ में फैला हुआ ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ही सत्यानाश की तरफ मतलब दौड़ चुका है, और इनके ऊपर जो है सरकार को और भी ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ठेकेदारी सिस्टम के तहत
जो है चौकीदार रखे हैं, लाखों रुपया जो है हर महीने सरकार इनके ऊपर अब भी खर्च कर रही है, तो क्या सरकार के ऊपर ये सवालिया निशान नहीं है कि पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फिर से कैसे सरकार आबाद करे? ये कहीं ना कहीं सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है। मैं शशि राणा, राष्ट्रीय खबर। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।